लगातार नहीं, 15 वर्ष लगातार। और जो पट्टाधार मिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व शासन किया था, गंगा जी के कहा पर भी मालू मध्य प्रदेश हो गया था। उसे 15 वर्ष में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने देखा ठीक प्रदेश बनाया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय चौहान की, रोहत वालों की, कार्यकर्ता बहनों भाइयों की, मैं राजभाग केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री, मोदी जी के निकट सहयोगी रोहत वाले मुरैना और पूरे मध्य प्रदेश के लिए विकास की गंगा बहाने वाले हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस ने वचन निभाए वादे पूरे नहीं किए, अन्याय और अत्याचार किया और पीने के पानी के लिए भी गोहर को जब दर्शा दिया तो उस कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को लात मार कर उसको गिराने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे लेखक चिंतक विचारक और मनीषी नेता आदरणीय श्रीमान प्रभात भाजी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारी लोकप्रिय रसद के सांसद मेरी बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारी वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति मोर्चे के पहले अध्यक्ष रहे, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और जिनके साथ बहुत काम मैंने गरीबों के लिए किए, वैसे हमारे नेता आदरणीय लाल सिंह आई जी, पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीराम यादव जी, हमारे अध्यक्ष जो आज बड़ा कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय राजनीतिक गोचर जी, और मेरे सही छोटे भाई जिन्होंने जब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बिना पश्चिम तरफा किए हुए ये तय कर लिया कि जब कांग्रेस की सरकार गोहर को पीने के पानी नहीं दे सकती तो इस पार्टी में मैं रहकर क्या करूंगा। पार्टी भी त्याग दी और सदस्यता भी विधायक जी को त्याग दी। आदरणीय रणवीर यादव जी, मेरे सभी बहनों भाइयों भाग्य भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज मैं विशेष रूप से रणवीर जी को भी बधाई देना चाहता हूं और सिंधिया जी, बड़े सही समय पर आपने बड़ा सही कदम उठाया। मैं तो कहता हूं बड़ी देर भरी ने बताया, इस टीचर ने क्या करते, ऐसी उठापटक बच्ची है कांग्रेस में, लखम लखा है और क्या भोपाल में दिल्ली में चल रही अभी कर रही है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, इन सब ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को, 25 नेताओं ने, कि कांग्रेस बर्बाद हो रही है, हमको पूरी काले कांग्रेस का अध्यक्ष चाहिए। उनने मांग की तो राहुल भैया का जवाब को देखो, राहुल गांधी कहने लगे जिन्हें ये चिट्ठी लिखी है वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, वो सबके सब कांग्रेस के साथ मिले, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं और प्रजाओं में से रखे गए चेहरे को सरकार धन्य है। राहुल भैया अच्छी जगह है, जब तेरे जैसा चेहरा कांग्रेस में है
तो कांग्रेस का सफाया करने के लिए भाजपा को तो जरूरत नहीं है। ये भी कहा कांग्रेस में कोई सही बात कहे, कोई जनता के हक की आवाज उठाए, कोई पार्टी में न्याय की बात करे तो कहते हैं ये गद्दार है गद्दार। और अगर कोई कन्वर चाहते राहुल गांधी के मैडम सोनिया गांधी के तो कहते अच्छा है ये बप्पा हमारे बप्पा था सही कहने वाला, सही कहने वाला कांग्रेस में गद्दार है और साथ में इसी करने वाला कांग्रेस में बप्पा था। और यही मैं उपदेश करूंगा मध्य प्रदेश सिंह बिहारी ने सही बात की बना कमलनाथ जी बाजल रहो वचन पूरे करो पैसा मत खाओ भ्रष्टाचार मत करो जनता को न्याय अधिकार दो दो हक को पानी दो ग्वालियर का विकास करो। कमलनाथ देखा जय नहीं करता क्या कर लोगे तो इन्हें कहा मिश्रा रखते पर्याय ऐसे सड़क तो उतरे कमलनाथ परमानेंट ही समझते ये कहते मेरे बहन भाई पार्टी में आपका भारतीय जनता पार्टी में दिल से स्वागत करता हूं गौरव आए सैला का सबका स्वागत करता हूं ये कांग्रेस नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है लेकिन आप इतिहास देखिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है आप 1998 से देख लीजिए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी में थे जो सौरभ ठाकरे फिर दो साल बाद बदल गया भाजपा के अध्यक्ष हमारे दलित नेता बंगारू लक्ष्मण बने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जनकृष्ण मूर्ति बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने श्री वेंकैया नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी फिर भाजपा के अध्यक्ष बन गए श्रीमान राजनाथ सिंह लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष वही सोनिया गांधी फिर भाजपा के अध्यक्ष बन गए नितिन गडकरी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए श्रीमान अमित शाह कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने अमित शाह तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मां की जगह बेटा बन गया अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर नहीं तू तू नहीं मैं और तो कहते नहीं हुआ और अब भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी श्रीमान और कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल के बाद फिर मैडम बन गए क्यों भैया और कुछ पहले ही हमारे कांग्रेस है जो तुम्हारे कांग्रेस ये दिल्ली के आए और भोपाल में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो ये नहीं कमलनाथ जी पंडे का प्रतिबंध करे तो कमलनाथ जी युवाओं के नेता नकुलनाथ जी बाकी कांग्रेस अनाथ जी तो आप अगर ऐसे कांग्रेस कर रहे तो फायदा कर रहे अरे जो करे तो फायदा है ऐसे कांग्रेस कर रहे और इसलिए आपने बिल्कुल सही कदम उठाया है मैं जोर का दिल से सिंधियानी का रणवीर जाधव जी का और आप सबका दिल से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आपने बहुत सही कदम और सरकारों का फर्क देख लो ऐसे दौरे किए कि लोग लट्टू हो गए राहुल भैया आ रहे हैं किसानों दर्जन दशक तक का हाथ उन्हें 11 बजे मुख्यमंत्री बदल दूंगा 11 दिन हो गए 11 महीने हो गए सबका कर्जा माफ हुआ क्या इनने कहा माफ करो उनका नहीं करता जाओ क्या कर लोगे
उन्हें कहा था सबको चले जाने का मेरे लोग जाएंगे बता देंगे मिला क्या। उन्हें कहा संघर कटन का माफ करेंगे हुआ क्या। मैं सौ चीजें दे सकता हूं समय नहीं है जितने वादे किए वचन किए पूरे किए। अरे बहनों और भाइयों ओला कहीं गिर जाए हम तो खेत में उतर जाते थे राहत का इंतजाम करते थे गरीब किसान के खाते में पैसा भेजते थे। अब ओले गए कमलनाथ की सरकार में ये रणवीर जाकर मेरे साथ गए कमलनाथ से दिन मिलकर थक गए कि शिवराज के देते थे राहत का पैसा तुम भी दे दो एक दमड़ी में भी मूठी कौड़ी में भी ओले गिरे कमलनाथ के राज में और इनके कहने से पैसा मैंने खजाने में डाला मेरे राज में खजाने सरकार के किसानों के ये सरकार बिलास जी जी कहते बेटर की ओर हमने स्वीकृत की थी दो हफ्ती हमने स्वीकृत की कमलनाथ जी ने कैंसिल कर दी। अरे कमलनाथ पानी पिला सकते हैं क्या जनता को उनमें खुद ही पानी नहीं बचा तो दो हफ्तों पानी क्या पिलाएंगे। और आज जब प्रधानमंत्री ने कहा जितने जरूरत थी योजना स्वीकृत करके दो हम वालों आपके लिए भिजवा दी दो हम पानी पिएगा दो हद क्या सही रहेगा। और आज कहना चाह रहा हूं मैं केवल दो हद नहीं भिंड जिले में जाओ तो एक चीज की बहुत मांग होती है थैंक्यू लगवा दो थैंक्यू थैंक्यू बोलते हैं थैंक्यू थैंक्यू मेरे घर। अरे सुन लो भैया अब भाजपा की सरकार है थैंक्यू नहीं जितने लगेंगे वो तो लगवाई दूंगा लेकिन मेरी माता बहनों नल का कनेक्शन देके घर घर गांव में पानी पिलाऊंगा ये मेरा वचन है। कांग्रेस ने खेती डाल दिया लगी दिन दिन भर अब मेरी बेटियों से कहने से पानी नहीं भर पाएंगे। इसी साल 26 साल घरों में नल कनेक्शन दे रहे 3 साल में एक छपी छोड़ा जिससे घर नल का पानी ना आए जल्दी बदल आपकी जिंदगी बदलने के लिए ना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तुलना करके देखो मेरे गरीब कहने और भाई किसी जाति और समाज के हो ईमानदार से दिल के हाथ में तो मुझे बता एक रुपया किलो गेहूं चावल नमक कभी कांग्रेस ने खिलाया था क्या। आज जरा दिल से पूछो बताओ आज खिलाया था क्या। हम मुख्यमंत्री बने भाजपा की सरकार बने 1 रुपया किलो चावल 1 रुपया किलो गेहूं या चावल 1 रुपया किलो नंबर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए दिया कि मेरे गरीब भाई बहन मेहनत मजदूरी करके आते हैं और दिन भर की मजदूरी केवल अनाज खरीदने में लग जाती है इसलिए अनाज के पैसे ही लग दे देंगे। और अब तो दुगना मिल रहा है 1 रुपया किलो का अलग मिल रहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति पर मोदी जी की कृपा से नवंबर तक फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति और 1 रुपया में 10 किलो गेहूं कभी सोचा था क्या किसी ने कभी किया था कांग्रेस ने दिल के हाथ में एक बार नहीं सोचो हम छोटे मोटे मुद्दों में बहुत तक जाते हैं मेरे बहन भाई। गरीबों के लिए हमने संबल योजना बनाई और संबल योजना में हमने तय किया कि जितने मेरे गरीब भाई बहन हैं उनके बच्चों की फ्री में पढ़ाई करवाऊंगा एक नया पैसा नहीं लगने दूंगा। और पढ़ाई का मतलब स्कूल की पढ़ाई नहीं हमने तय किया कि अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में भी गरीब के बेटा बेटी का तो फीस की चिंता मत करना उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बाहरी कांग्रेस और कमलनाथ तुमने गरीबों की संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों मैंने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड्डू खाने के भी दूंगा। लेकिन कमलनाथ ने मेरी गरीब बहन के लड़ुआ के पैसे भी छुड़ा लिए वो योजना भी बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों हमने तय किया बिटिया की शादी करवाएंगे हम देते थे 25,000 रुपया और साथ में 3,000 शादी के खर्चे के टैंक टैंक की व्यवस्था के लिए। कमलनाथ ने कहा
शिवराज 28,000 का इंतजाम करता है, मैं 51,000 उनका। बड़ी अच्छी बात है 51,000, लेकिन बेटियों की शादी हो गई, फेरे पड़ गए, दुल्हन मन के घर ससुराल में पहुंच गई और कहिए तो बेटा बेटी की हो गए। आज तक भेड़ा नहीं दिया कमलनाथ ने बेटियों के पैसे लिए बेईमान खा दिए। हमने कह दिया एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4,00,000, सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए भेजूंगा। अरे कमलनाथ तुमने तो गरीबों के कपड़े के भी 5,000 खा लिए, तुमने गरीबों के कपड़े के 5,000, ये काम ने किसे कहा? सारी ने किया था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, साइकिल जाने की लैपटॉप देने की, कापी किताब देने की, मेरे भंजर भंजर तुम्हारा क्या किया? एक एक करके सब लोग बंद कर, किसानों के खाते में आना था 3,000 करोड़ रुपया, फसल बीमा योजना के खाते को मैंने मुख्यमंत्री रंग से ही 7 दिन के अंदर 2,200 करोड़ रुपया जमा करके 3,100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भिजवा दिए। और सुनना किसान भाइयों, सितंबर के पहले सप्ताह में 4,500 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में और डालूंगा फसल बीमा योजना के लिए। मैं घंटे भाषण दे सकता हूं लेकिन समय की सीमा मेरे बहन पर है। एक बार की गोष्ठी को बर्बाद करने वाली थी, योजना बनकर जी विकास कर दिया, पैसा पा के रख नहीं जाए, पैसे नहीं है, कोई चल नहीं है, कोई चल नहीं है, कोई चल नहीं, तो क्या कर रहे भाव रोकने के कर रहे हैं, बोलने का बन जाओ मुख्यमंत्री को रोने वाला होना चाहिए, जब मेरे पास दूसरे क्या बन गए भैया, धंधा तो मिलने का नहीं, विकास के लिए पैसा नहीं, लेकिन कोई ठेकेदार आ जाए तो घर भरने के लिए पैसा हो जाता था, सब पैसा जनता का जेब में गया। ऐसी सरकार चाहिए क्या पता, जिसने भ्रष्टाचार जनता को धोखा दिया, प्रदेश को लूट दिया, बंदों को बंद दलाल को हट्टा बना दिया। और फिर मेरे बहनों भाइयों, ये विकास का काम ये नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे सैनिक स्कूल खुलवा भेंगे कारण भरती कर भाग्य हमने प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री का मैं बधाई देना चाहता। चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा मेरे बहन भाई, और चंबल एक्सप्रेस वे भिंड मुरैना और सोपुर को जोड़कर ले पूरी बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करके दे देगा। एक लेकर इंडस्ट्री आए और हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, इसका इंतजाम करेगा। फिर मैंने चंबल एक्सप्रेस वे की समीक्षा की, आधी जमीन तो सरकारी ने वहां दे दी लेकिन कुछ जमीन किसानों की है। हमने यह तय किया था किसानों को जमीन के बदले जमीन देंगे, लेकिन जो एक नीति बनाई गई, जितनी जमीन लेंगे उतनी नहीं देंगे, उसको दुगनी जमीन देंगे, रोड के लिए लाएंगे तो दुगनी जमीन देंगे। किसान को भी धारण न लगे कल किसी भी कीमत पर। और ये कंबल एक्सप्रेस बनेगा, एक्सप्रेस वे अटल जी के नाम पर रखा है, हमारा पूरा इलाका बदल जाएगा। गांव गांव में सड़के अभी ये पूरी स्कूटी है, रणवीर पहले जाते थे कमलनाथ के पास तो कहते थे पैसा नहीं है, ये निश्चय गुहार की क्या किया कांग्रेस ने, गुहार के साथ इतना अन्याय है। वहां का रतनगढ़ वाले सिंचाई का दफ्तर उठा के 2 हफ्ते बाहर दूसरे जिले में ले गए, क्यों भैया 2 हफ्ते इंसान नहीं रहते क्या, क्या उनकी इज्जत मानव समान नहीं है? रणवीर ने मुझे कहा भाई साहब ने 2 हफ्ते की इज्जत का सवाल है, हमको ये शिकायत कार्यालय 2 हफ्ते में चाहिए। मैंने 5 मिनट में करने वापस 2 हफ्ते आकर भर दे इज्जत मानव सम्मान के साथ किसी की कीमत पर नहीं होने लगे। मेरे बहना भाइयों, ये विकास के काम में स्वीकृत किए वतन का राज्य पानी का सब अब वो बहुत की धरती सभी होके जाएगा। अरे भिंड वालों याद करो, कांग्रेस की सरकार थी तो चंबल नहर का पानी नहीं मिलता था खेतों में, फिर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया तो शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। उनके दिल में दर्द नहीं है, उनके दिल में दर्द नहीं, उन्हें विकास के काम में तो स्वीकृत किए हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, सिनेमा भी पार्टी है, 2 हफ्ते विकास में कोई असर नहीं जाएगा, इसका विकास है।
जिंदगी बनाने वाली सरकार, सारी योजनाओं ने जिंदगी कर दी, गरीबों की, किसानों की, बेटे बेटियों की, जनता की जिंदगी बदलना है। बहनों भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना, आप सुविधा चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।